दोस्तों अभी तक जो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट था इसमें सिर्फ अमेरिकन कंपनीज का ही ज़्यादा दबदबा देखने को मिल रहा था, लेकिन अब एक चाइनीज़ मोबाइल कंपनी जिसका नाम है शाओमी, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इंडिया की नंबर वन मोबाइल कंपनी है, ये अभी इस इलेक्ट्रिक कार के रेस में जुड़ चुकी है। और शाओमी अपनी नई इलेक्ट्रिक कार में कहती है कि ये ऑटोनोमस ड्राइविंग लाएंगे बिल्कुल टेस्ला की तरह, लेकिन कीमत बिल्कुल कम रखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शाओमी की इस इलेक्ट्रिक कार के बारे में, ये गाड़ी कब हो रही है लॉन्च और क्या क्या इसके लिए स्ट्रेटजी बनाई है शाओमी कंपनी ने इंडिया में इसके लॉन्चिंग के लिए। दोस्तों शाओमी ने इस गाड़ी को बनाने के लिए हायर किया है एक कंपनी जिसका नाम है डीप मोशन। डीप मोशन एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजीज पे काम करती है, और इसको हायर करने के लिए शाओमी ने खर्च किया है करीबन 77.4 मिलियन डॉलर्स का, जिसमें से शाओमी का प्लान है कि 10 मिलियन डॉलर वो आने वाले 10 साल में इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं। शाओमी की जो पहली गाड़ी होने वाली है वो पूरी तरीके से ऑटोनोमस ड्राइविंग पे काम करेगी, और इसके लिए शाओमी ने करीबन 500 एक्सपर्ट इंजीनियर्स की टीम तैयार की है जो कि इस गाड़ी को बिल्कुल टेस्ला की तरह बनाना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो ये शाओमी का MIUI सॉफ्टवेयर होने वाला है, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर होगा ये कार के बेस पर होगा। अब दोस्तों ये जो गाड़ी होगी शाओमी की, ये शाओमी के किसी भी फ़ोन के साथ कनेक्ट की जा सकेगी, और ये जो गाड़ी है दोस्तों शाओमी अपने GWM प्लांट के अंदर बनाएगी। GWM ग्रेट वॉल मोटर्स का एक चाइनीज़ कंपनी है, उसका ही एक फैक्ट्री लिया है शाओमी ने, जिस पे ये गाड़ी में अब काम शुरू कर दिया गया है। पहली जो गाड़ी है वो शाओमी की 2024 के शुरुआत में हो सकती है लॉन्च, और शाओमी कहती है जैसे हमारे फ़ोन ने पूरे मार्केट को बदल दिया वैसे हमारी गाड़ियाँ पूरे मार्केट को बदल देगी। कहने का मतलब यह है जो इनकी गाड़ियों की कीमत होगी वो इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल होने वाली है कि जैसे आज से 2013 में आप 2 GB का रैम फ़ोन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन आज के डेट में कोई भी 2 GB का रैम फ़ोन खरीद सकता है। उसी प्रकार से कार मार्केट में भी शाओमी रेवोल्यूशन लाना चाहती है कि हर एक बंदे के घर में कार रख दे, शाओमी अपना इलेक्ट्रिक कार लाना चाहती है। बाकी आपको क्या लगता है शाओमी की इस इलेक्ट्रिक कार में कितना टाइम लगेगा? अगर ये गाड़ी लॉन्च होती है तो आप क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वैसे दोस्तों एक्सपर्ट्स की, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाओमी की जो पहली गाड़ी है उसकी कीमत 5 लाख रुपीज से शुरू होगी, और ये 1 करोड़ रुपीज तक कारियां बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे मैं बता दूं चाइना का जो मार्केट है वो इसमें प्रेजेंट टाइम में 1 लाख रुपये की भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको बना के दे सकता है। दोस्तों आपने शाओमी का जो मार्केट स्ट्रेटेजी अब काफ़ी डराने वाला है, क्योंकि जितनी भी मार्केट है इस समय, चाहे वो आप टाटा की बात कर रहे हो, किया की बात कर रहे हो, हुंडई की बात कर रहे हो, या टेस्ला की बात करते हो, उनकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी काफ़ी महंगी है, और अगर शाओमी एक ऐसा रेवोल्यूशन ला देती है भारतीय बाजार में तो एक बहुत अच्छी बात हो सकती है कि हर एक आम आदमी गाड़ी खरीद सकता है। दोस्तों गाड़ी खरीदने का तात्पर्य यह है ना कि आम आदमी 15 लाख की कभी कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं खरीद सकता, सपने में नहीं सो सकता 15 लाख रुपये इन्वेस्ट करने की, लेकिन अगर शाओमी ऐसा कर दिखा दिया तो यार हैट्स ऑफ टू शाओमी। बाकी आप क्या सोचते हैं शाओमी की इस इलेक्ट्रिक कार के बारे में अपना राय कमेंट बॉक्स जरूर दें। अगर 2024 में लॉन्च होती है तो क्या आप इस चाइनीज इलेक्ट्रिक कार को लेना पसंद करेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स लाइक दिस।